नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इट सुमित कुमार में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं ओनरशिप रिव्यू ऑफ माय होंडा लिवो। सो सबसे पहले इस गाड़ी के बारे में हम बात कर लें तो मैंने इस गाड़ी को 2018 में ख़रीदा था और कीमत की बात करूँ तो मैंने इस गाड़ी को 82,000 रुपीज़ में EMI पे लिया था और उस पर मैंने 30,000 रुपये का डाउन पेमेंट किया था और बाकी का पैसा मैंने 2 साल में EMI के रूप में भरा था। अगर ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस मुझे 67,000 के लगभग पड़ी थी। तो ये थी प्राइसिंग की बात कि अभी तक मैंने, अगर आप देखें इस गाड़ी को, तो मैंने इसे लगभग 24,677 लगभग 25,000 ही आप मान के चलें, लगभग 25,000 किलोमीटर इस गाड़ी को चला लिया है। और 25,000 किलोमीटर चलाया सो चलाया, मतलब तबीयत से रगड़ी भी है इस गाड़ी को। ऑफ रोडिंग में भी चलाया है, ट्रैफिक में भी चलाया है, लॉन्ग ट्रिप्स पे भी गया हूँ। सो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी का, अगर आप इसे लेना चाहें तो आपको कंसिडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कम्यूटर सेगमेंट में इस प्राइस रेंज में, तो उन सारी चीज़ों की बात मैं इस वाले वीडियो में आपसे करूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये BS4 बेजिंग के साथ है, मतलब कि ये BS4 गाड़ी है और मार्केट में इसका अभी BS6 वेरिएंट निकल चुका है। सो आपको BS6 वेरिएंट मिलेगा और जो प्राइसिंग मैंने आपको बताई है डिस्क वाले वेरिएंट की, ये थोड़ी सी अलग कम या ज़्यादा हो सकती है। सो आप वो शोरूम पर या आपके नियर बाई डीलरशिप पर पता कर लीजिएगा। बाकी इस गाड़ी के सबसे पहले मैं कुछ नेगेटिव्स की बात करूँगा कि मुझे इतने दिनों में गाड़ी चलाते चलाते अभी तक क्या समस्या आई। तो सबसे पहले तो मैं इस गाड़ी के फ्रंट से ही शुरू करूँगा। तो शुरुआत में जो समस्या है वो है इस गाड़ी के डिस्क ब्रेक में। ये इसकी पैदाइशी समस्या भी आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि जब भी ये गाड़ी थोड़ी स्लो स्पीड में बोले तो 40 की स्पीड में जब चलती है ना, तो अगला वाला जो टायर है ये कहीं ना कहीं, मतलब जो डिस्क है ये फ्रिक्शन करती है। इसका पता नहीं प्रॉपर अलाइनमेंट बैठा नहीं है कि क्या, आई डोंट नो, लेकिन ये आप देख सकते हैं इस पर अभी निशान भी बने हुए हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैंने सर्विस सेंटर पर बाहर मैकेनिक्स को सब जगह इसको दिखवा लिया और इसको सही करवाने की कोशिश करी, लेकिन ये सही नहीं हो पा रहा। सो ये इसमें मुझे एक प्रॉब्लम आई। अगर आपके पास होंडा लिवो है या आप लेना चाहते हैं तो इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा ध्यान रखें। डिस्क वाला वेरिएंट अगर आप लेंगे इस वाली गाड़ी का तो ये समस्या थोड़ी सी आप ध्यान में रखें। अगली चीज़ मुझे जो समस्या इस गाड़ी में आई है वो है इस गाड़ी का लेग गार्ड। जब मैंने इस गाड़ी को लिया था तो इसके 2 महीने बाद ही लगभग एक बार ये गाड़ी मुझसे गिर गई थी चलाते चलाते, यहाँ पर आप निशान भी देख सकते हैं। लेकिन ये लेग गार्ड इतना वाहियात है कि यहाँ से ये देखो ये टूट गया था। अब ये टूटने के बाद मैंने इसकी वेल्डिंग करवा ली और फिर वेल्डिंग करवाने के बाद, मतलब इस गाड़ी में इतना वाइब्रेशन होता है थोड़ी सी हाई स्पीड में कि ये हर 1-2 महीने में इसकी वेल्डिंग ही उखड़ जाती है। सो अब मेरी मतलब नौबत ये है कि मेरे को ये लेग गार्ड ही पूरा चेंज करवाना पड़ेगा। अगली चीज़ आप अगर देख पा रहे हो तो इस गाड़ी की मुझे जो पेंट क्वालिटी है वो काफ़ी बेकार लगी। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो पेंट यहाँ से निकल चुका है, हल्की फुल्की रस्टिंग आप अगर देख पा रहे हैं तो वो इस गाड़ी में आ गई है। सो आप अगर मतलब घर के बाहर या थोड़ा बारिश वारिश में ज़्यादा गाड़ी को यूज़ करना है तो थोड़ा इस चीज़ को संभाल करके देखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं साइलेंसर में भी थोड़ा ये पीला पीला सा ये रस्टिंग जो है आपको देखने को मिल जाएगी। सो जो लोहा है इसमें जो रस्टिंग है उसकी समस्या मुझे देखने को मिली। अगली समस्या जो मुझे देखने को मिली वो ये है कि इस गाड़ी के इंडिकेटर्स वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन एक बार पीछे से एक गाड़ी की मुझे टक्कर लग गई थी तो जो इंडिकेटर है वो पूरा इसके साथ ही, ये जो आपको पीछे वाला ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है इसके साथ ही निकल गया था। इंडिकेटर टूटा नहीं बल्कि ये जो प्लास्टिक वाला ये इतना इतना जो आपको पार्ट दिख रहा है ये टूट गया था। सो इसे मैंने एमसील से फिक्स किया और उसके बाद ये वहीं पर है। और अगली चीज़ मैं बताऊँ यहीं पर, तो इसकी जो पेंट क्वालिटी आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो कंपनी एक झोला लटका के देती है, वो कभी मत लगवाना, क्योंकि ये जो झोला है उसने पूरा यहाँ पर ऐसी की तैसी करके रखी है पीछे वाले काउल की, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कितना बेकार सा निशान छोड़ दिया, पूरा पेंट को वैसे छील दिया है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे इस गाड़ी में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और जो थोड़ी नेगेटिव सी लगी।
अगली चीज़ जो मतलब आप देख सकते हैं ओवरऑल थोड़े बहुत स्क्रैच तो वैसे हर गाड़ी में हो ही जाते हैं, लेकिन इसमें ओवर द टाइम इसमें जो सामने वाला मास्क है ये काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच भी आ गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। अगली चीज़ मैं आपको बताऊँ इस गाड़ी में एक जो कमी है वो है इस गाड़ी की सस्पेंशन में। हालांकि इसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, अभी तक मुझे मतलब सस्पेंशन को खोला खाली करवाने की या काम करवाने की इनमें आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन एक चीज़ मुझे जो लगी वो है कि जब दचकों में गाड़ी चलती है ना तो इसके सस्पेंशन उतने स्मूथ नहीं हैं, थोड़े से स्टिफ़ हैं और जो आपको दचके वगैरह थोड़े से ज़्यादा देते हैं। लेकिन उनका फ़ायदा ये है कि आप ऑफ रोडिंग में जब इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, हाई स्पीड पर काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये कुछ लोगों के लिए फ़ायदे की बात है, ये कुछ लोगों के लिए नुकसान की बात है। सो एक इसका जो सस्पेंशन है आगे और पीछे के दोनों के वो थोड़े से स्टिफ हैं, और आगे वाले सस्पेंशन में मतलब कि मैं एक लॉन्ग राइड पे गया था 500 किलोमीटर की, तो उसमें मतलब इतने दचके लगे मुझे कि आगे वाले जो कौन सेट है वो मुझे पूरा चेंज करवाना पड़ा दचकों के कारण। सो ये मुझे एक समस्या आई थी। तो ये कुछ समस्याएं थी। एक और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस गाड़ी को ले रहे हैं तो इस गाड़ी की एक डिमांड ये रहेगी कि आपको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर गियर देना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे कि इस सेगमेंट की अगर कोई और स्प्लेंडर डीलक्स या पैशन प्रो या फिर प्लेटिना कोई भी गाड़ी इस तरीके की अगर चला रहे हैं तो उनमें आपने देखा होगा सेकंड गियर में भी अगर थोड़ी सी स्पीड लो है तो गाड़ी उठ के चली जाएगी, लेकिन ये वाली गाड़ी प्रॉपर गियर मांगेगी, अदरवाइज़ जो इसका इंजन है वो खचखच खचखच करने लगेगा। सो ये कुछ दिक्कतें थी। आप अगर होंडा लीवो लेना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और प्रॉपर पता कर लें कि नई वाली जो गाड़ी आप ले रहे हैं उसमें ये दिक्कतें ना हों। अब मैं कुछ इस गाड़ी की अच्छी चीज़ें बताता हूँ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो वो है इस गाड़ी का परफॉर्मेंस। तो इस गाड़ी का परफॉर्मेंस 110 सीसी की जितनी भी गाड़ियां आती है उनसे काफ़ी अच्छा है। ये जो इंजन है जो कि आपको 8 पीएस के अराउंड पावर देता है और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देता है हाईवे पर भी ऑफ रोडिंग पर भी। जब आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा रेव करेंगे तो काफ़ी अच्छी पावर निकाल के दे देगा और कभी आज तक कोई दिक्कत नहीं आई अंदर इंजन के सिस्टम में। सो इसका इंजन काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़ इस गाड़ी की जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो है इस गाड़ी का डिज़ाइन। अब देख सकते हैं सामने से ये जो काउल हैं और ये जो ग्रीन पट्टी है ये मतलब ओवरऑल हॉर्नेट की छोटी बहन देखने में लगती है और मतलब काफ़ी अच्छा लुक ओवरऑल इसका निकल के आता है। सो एक इसका डिज़ाइन, दूसरा इसका इंजन और तीसरा आप अगर इस सेगमेंट की गाड़ी को अगर थोड़ा सा ज़्यादा रेव करेंगे हाई स्पीड पर तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा भौं भौं चिल्लाने लगती हैं, ज़्यादा मतलब एक स्पीड लिमिट आ जाती है 70-80 तो उनका जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा बेकार सी आवाज़ करने लगता है। लेकिन अगर इस गाड़ी का मैं आपको आवाज़ सुनाऊँ एक बार, तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सूथिंग सी साउंड है इस वाली इंजन की। सो इस वाले इंजन का जो साउंड है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगली अच्छी चीज़ अगर इस गाड़ी की बताऊं तो इस वाली गाड़ी में आपको जो पिकअप है गाड़ी का जो वो बहुत शानदार देखने को मिलेगा। ये काफ़ी तेज़ी से पिक करती है और 110 सीसी की बाइक्स के मुकाबले। सो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हालांकि मैंने 10,000 किलोमीटर पे इसका एक बार चेन स्पॉकेट चेंज करवा लिया है। सो आप इसे अननेसेसरी ज़्यादा रेव ना करें, ज़्यादा पिक ना करें, नहीं तो ये चेन स्पॉकेट भी आपका खा सकती है। सो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और अगली चीज़ मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, क्या बता रहा था मैं भूल गया। अब आते हैं इस गाड़ी के सबसे मेन पॉइंट पर कि आपको ये गाड़ी माइलेज कितना दे देगी। भाई पेट्रोल का दाम दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल डटने का नाम नहीं ले रहा। तो पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी ठीक ठाक माइलेज दे देगी, केवल चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इस गाड़ी से 30 से 40 का भी माइलेज निकाला हुआ है और मैंने इस गाड़ी से 70 का भी माइलेज निकाला हुआ है। सो आप देख सकते हैं अगर आप इसे 60 की स्पीड के आसपास अगर कंटिन्यूस चला पाए लॉन्ग राइड पे तो ये आपको दे देगी माइलेज लगभग 60 से 70 के बीच में, और अगर आपने इसे 80-90 तक रगड़ा तो ये आपको थोड़ा कम माइलेज
देगी। बाकी अगर इसकी हाईएस्ट स्पीड की बात करूँ तो मेरी अभी तक 90 जो है इसकी सबसे हाईएस्ट स्पीड गई है, इससे ज़्यादा तेज़ ये गाड़ी अभी भाग नहीं सकती। सो एक ये वाली चीज़ आप थोड़ा सा देख के रखें, क्योंकि ज़्यादा हाई भगाने के लिए भी नहीं है, लेकिन जहाँ पर भागने की आवश्यकता पड़ेगी और अगर आप गाड़ी को खींचेंगे तो आपको आराम से पिकअप देगी, आपको ओवरटेक करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो परफॉर्मेंस और डिज़ाइन के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, एवरेज भी आपको काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मेरा कुछ एक्सपीरियंस था 24,000 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाने के बाद कि होंडा लीवो कैसी क्या है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसे एक बार कंसीडर करें, लेकिन ये जो कुछ छोटी मोटी जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप पहले गाड़ी में चेक करके लें और आपके डीलरशिप वालों से बात करके लें। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको नीचे पॉपअप शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।